हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? जय श्री एलसी। तो जितेंद्र सर 29/90, नो डाउट एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही मुकाम। और किसने जाना था कि इस कोरोना के लॉकडाउन के समय जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। जी जितेंद्र सर, 18,000 व्यूअर अपने यूट्यूब पे जो 20 मार्च के लॉकडाउन से पहले थे, वो 18,000 व्यूअर बढ़कर 53,000 हो चुके हैं। 53 हो गए। हाँ, तो ये सब आप लोगों का ही स्नेह है, आप लोगों का ही प्यार है, और ये इसी प्रकार बना रहेगा। नो डाउट हमारी तरफ से भी ये मेहनत बरकरार रहेगी, इसी प्रकार चलती रहेगी। ठीक है, तो बिना विलंब किए 29/90 गुरु निधि 180 vs 180 एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमने आपको करवा दिया था, आज अपना सेकंड पार्ट रहेगा। मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी। मैं यतेंद्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी, सीएलसी शिखर। चलें जी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है यतेंद्र सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जेजीए मॉनिटर्स द सैलिनिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। जी, तो क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले थोड़ा सा बच्चों को ये अपन बता देते हैं कि ये जेजीए जो मॉनिटर करेगा ये कहलाता क्या है। ठीक है, इसको जो है ये मैकुला डेंसा जो है वो इसका वैसे तो करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो बच्चों को थोड़ा सा बता दें, ये अपना बाउमन कैप्सूल था ये यतेंद्र सर, बिल्कुल। उसके बाद में ये अपन ने टीसीटी बनाई थी, इसके बाद ये अपनी लोपोफेले कहलाई थी, और उसके बाद ये अपनी डीसीटी कहलाई। इस डीसीटी को अपने बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर बनाया था, बाकी अरेंजमेंट कुछ अलग है। एक्चुअल में ये डीसीटी ये लोपोफेले नीचे गया, फिर लोपोफेले इसके ठीक पीछे ऊपर आते हुए ये डीसीटी किसके पास से गुजरती है, यहाँ जो इफ्रेंट और एफ्रेंट आर्टेरियोल है उनके पास से गुजरती है। जी, जी। तो ये वाला अपन ने बता दिया था बच्चों को क्या था, आने वाला एफ्रेंट आर्टेरियोल और ये जाने वाला इफ्रेंट आर्टेरियोल विद लेस डायमीटर, और अंदर ये कैपिलरी यहाँ पर बनी गई थी। अब ये डीसीटी सपोज करो अगर उधर होती तो फिर अब अरेंजमेंट कैसा बन जाता, इसको मैं उल्टा करके बना देता हूँ, टिल्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो बाउमन कैप्सूल तो इस प्रकार का यतेंद्र सर अपने को दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसी को टिल्ट किया है मैंने तो ये वाला उधर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये तो हो गया एफ्रेंट और ये हो जाता है अपना इफ्रेंट। अरे बोलो भाई, ये तो कहला गया एफ्रेंट और ये कहला गया इफ्रेंट। अब जो डीसीटी नीचे से आई है वो डीसीटी भी जो है इसके पास से गुजरती है, क्रॉस सेक्शन, इसमें एक क्रॉस सेक्शन डीसीटी का यहाँ पर हमने बना दिया है। तो एक जंक्शन पॉइंट बनेगा डीसीटी और किसके बीच में, एफ्रेंट आर्टेरियोल के बीच में। बिल्कुल, ये जो जंक्शन पॉइंट होगा यहाँ पर इनकी जो सेल है वो कुछ मॉडिफिकेशन दर्शाती है, जो डीसीटी की सेल है वो डेंस हो जाती है जी एक जगह इकट्ठी इस प्रकार से, और बाकी की जो सेल है वो स्पेशली पैक इस प्रकार से रहेंगी। तो ये जो डेंस सेल है डीसीटी की ये कहलाती है मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा, बिल्कुल। और यहाँ जो एफ्रेंट आर्टेरियोल है इसकी जो सेल है ये भी थोड़ा इलोंगेशन इस प्रकार से दर्शा देती है, इन सेल को अब कहने लगते हैं जेजी सेल। जेजी सेल, या हम कह सकते हैं कि सुनिए जो एफ्रेंट आर्टेरियल उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं जो इसको वैसे डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट करती है वहीं यहां पर मॉडिफाइड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बच्चों क्या कहलागी, जेजी सेल। जेजी सेल कहलागी जी, और ये वाला क्या कहला गया, मैकुला डेंसा। और मैकुला डेंसा प्लस जेजी सेल, यतेंद्र सर कौन सा एपरेटस बन जाएगा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जी बिल्कुल, तो जेजी सेल प्लस मैकुला डेंसा दोनों मिलकर क्या कहलाता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जेजी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस एपरेटस। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर लोअर डाउन होगा या ऑस्मोलिटी की मैं बात करूं तो ऑस्मोलिटी डाउन होगी, यानी सोडियम कम होगा पोटेशियम ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय उसको डिटेक्ट करेगा कौन, एफरेंट आर्टेरियोल की ये जेजी सेल जी, और उसके रेस्पॉन्स में ये रेनिन का सिक्रीशन करवाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि ये प्रेशर को सेंस कर रहा है, ये प्रेशर को सेंस करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जेजी सेल यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उसमें जो प्रेशर है उसको डिटेक्ट करेगा, जो ही प्रेशर लोअर डाउन हुआ। अब बात आती है प्रेशर लोअर डाउन क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम घटा। अब ब्लड का वॉल्यूम क्यों घटा, क्योंकि बॉडी से ज्यादा पानी बाहर चला गया थ्रू द यूरिन, डाई यूरेसिस कंडीशन होगी। डाई यूरेसिस हुआ
ज्यादा पानी बाहर गया, ब्लड में से ज्यादा पानी फिल्टर हो गया, तो ब्लड का वॉल्यूम घट गया, ब्लड का प्रेशर घट जाता है, और घटा हुआ ब्लड प्रेशर को फिर डिटेक्ट करता है जीजी सेल, उसके रेस्पॉन्स में वो सिक्रेट करता है रेनिन, रेनिन जाकर काम करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर जो लंग्स के द्वारा सिक्रेटेड है। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये अब डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ाने का काम करता है। ये पूरा रास सिस्टम है ना, ये पूरा रास सिस्टम कहलाता है। क्लियर जी, ये तो बात हो गई अपने ब्लड प्रेशर की। अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट यहाँ से बनेगा, जिस प्रकार ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट जैसे यहाँ से बनकर आएगा, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो डीसीटी से पास आउट होगा, मतलब यहाँ से मूव कर रहा होगा, बिल्कुल डीसीटी से पास आउट होगा, तो इसमें भी अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम है तो फिर उसको डिटेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, इन्हीं मैकुला डेंसा सेल के द्वारा, या फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है फिल्ट्रेट की उसमें कोई भी चेंजेस, सेलिनिटी चेंज आ रहा है तो उसको भी कौन डिटेक्ट करेगा, ये मैकुला डेंसा है। जैसे अपने कहा कि ना ब्लड वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि सोडियम लेवल कम था, ठीक है, वो फिल्ट्रेट जब यहाँ से मूव करेगा और उसमें सोडियम कम है, सोडियम कम है, लो सोडियम कंसंट्रेशन को सेंस करके ये जो मैकुला डेंसा है केमोसेंसर, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात, ये एक्टिवेट होकर के कुछ सेल्स और होती हैं उनकी हेल्प से लेकी सेल इसको और एक्टिवेट कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे रेनिन का सिक्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो इन सेल का नाम भी बता देते हैं बच्चों को, लेकी सेल, क्या बोल दिया इनको, लेकिस सेल पाई जाती है, ठीक है। दो टाइप के रिसेप्टर हो गए ना, हाँ, तो बैरो रिसेप्टर प्रेशर के लिए जी, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, और कीमो रिसेप्टर हो गया डीसीटी में, तो कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर, ये दोनों पॉइंट भी एडिशनली आप याद रख लें। ये हमने आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेंडिक्स यहाँ पर जो है वो समझा दिया है। तो अपना रास मैकेनिज्म की बात आई थी लास्ट लेक्चर में भी अपन नहीं बता पाए थे, उसको थोड़ा सा और बता देते हैं बच्चों, अच्छा रहेगा क्यों, हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया ना, तो आंसर तो इसका ये चला ही जाएगा। अब अपन बात करते हैं रास मैकेनिज्म की, ठीक है, आर ए ए एस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कब काम करेगा, जब ब्लड प्रेशर घटा, यतेंद्र सर जी, ब्लड प्रेशर घटा तो इसके रेस्पॉन्स में, घटे हुए ब्लड प्रेशर के रेस्पॉन्स में जो जेजी सेल है उस जेजी सेल के द्वारा क्या सिक्रेट हुआ, रेनिन, एनआईएन, याद रखना आर ई डबल एन आई एन, वो तो एंजाइमेटिक फॉर्म है और ये क्या कहलाती है, इसकी एक हॉर्मोनल फॉर्म बन जाती है, ठीक है, इसमें ब्लड वॉल्यूम भी कम है, ब्लड प्रेशर कम है। ये जो रेनिन है यतेंद्र सर, ये एक्ट करेगा प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, और सुनील जी, और ये शायद लीवर से बनता है, एग्जैक्टली ये आया कहां से, ये सवाल भी पूछा जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जितने भी हैं कहां बन रहे थे भैया, लीवर ही बन रहे थे, यानी जो है अपन एंडोक्राइन वाले सिस्टम में भी बात करते हैं, बिल्कुल, अलग अलग ग्लैंड्स होती है, उसके अलावा जो अदर टिश्यू है लीवर ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, हार्मोन ही वर्क करता है, तो इस पर रेनिन की एक्शन होगी यतेंद्र सर, और ये बदल जाएगा किसमें, एंजियोटेंसिन में, फर्स्ट में, इसका मतलब है कि ये इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कर रहा है ना, एग्जैक्टली तोड़ने का काम कर रहा है, ये एंजाइम की तरह भी बिहेव कर रहा है और ये हार्मोन की तरह भी बिहेव कर रहा है, जी ठीक कहा आपने, और ये फिर बदलेगा किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब बात आती है इसको किसने बनाया, ये करवाएगा कौन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर, और ये कहां से आया, ये मतलब ये लंग्स जो है उसके टिश्यू के अंदर मौजूद होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये लंग्स से पहुंचा है, अच्छा मतलब कि एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन से जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना सुनेंगे तो ये ब्लड से सर्कुलेट होता हुआ लंग्स की तरफ भी जा रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल, अब लंग्स के अंदर ये जो फैक्टर है ये इसको सेकंड में कन्वर्ट कर, ये कन्वर्ट कर, वहां से मूव करके ब्लड से वापस जो है अलग अलग अपने साइट ऑफ एक्शन पे चला जाता है, बिल्कुल, आपको ये नहीं समझना है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर जो है ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होकर आया है ना, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन से लंग्स पर पहुंचा है, कन्वर्जन, अभी जो कोरोना वायरस है उसका जो रिसेप्टर है जिससे वो सेल में एंट्री कर रहा है वो भी यही है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो फैक्टर है उसी पे कोरोना वायरस जुड़ करके सेल में एंट्री, बिल्कुल नो डाउट, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये स्टूडेंट के लिए। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, बिल्कुल यतेंद्र सर कंटिन्यू करें, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है इसके काफी सारे टास्क हैं, जैसे एक है इसका टारगेट है एड्रेनल कॉर्टेक्स, बिल्कुल,
एड्रेनल कॉर्टेक्स, और एड्रेनल कॉर्टेक्स इसका टारगेट है, और उसमें भी सबसे बाहर वाला पार्ट जिससे एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज कर देता है मिंडेलोकॉर्टिकॉइड। तो यहाँ से तो रिलीज हो गई मिंडेलोकॉर्टिकॉइड। या सुनील जी, इसी को एल्डोस्टेरोन भी अपन कह सकते हैं। ठीक बात है। और मेन मिंडेलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है। और सुनील जी, ये जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस को टारगेट करके जो थ्रस्ट है, प्यास है, उसको बढ़ाता है। बिल्कुल, ये नर्व सिस्टम में हम बताएंगे हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट का सेंटर पाया जाता है, हंगर का सेंटर पाया जाता है, सेटिटी का सेंटर प्रेजेंट होता है। क्योंकि सुनील जी, इनिशियली जो ब्लड है उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और उसके अंदर जो वाटर है उसका लेवल कम है, तो ये जो हमारा ब्लड है वो हाइपरटोनिक है। बिल्कुल, हाइपरटोनिक का टोनोसिटी ज्यादा है और ब्लड वॉल्यूम कम है, कम है और हाइपरटोनिक है, इसलिए बीपी भी कम हो गया। ठीक बात है। और इस वजह से ये सब हुआ। तो एल्डोस्टेरोन की वजह से जब प्यास क्रिएट होगी तो आदमी पानी पिएगा, पानी पिएगा, तो पानी पिएगा तो इसके अंदर वाटर लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मिनरल मतलब जो टोनोसिटी है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये एक्ट करेगा एल्डोस्टेरोन कहां जाकर? थ्रस्ट सेंटर। जी जी, थ्रस्ट सेंटर। और थ्रस्ट सेंटर कहां है? वाटर इनटेक हो जाएगा। हाइपो, हाइपो और ज्यादा मोर वाटर, वाटर ज्यादा पिएंगे तो ब्लड का पार्ट बनेगा, तो ब्लड प्रेशर इससे क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, ये करना है अपने को। एक तो ये बात हो गई, एक तो ये हो गया। इसके अलावा सुनील जी, एल्डोस्टेरोन जो हाइपोथैलेमस को ही एक्टिवेट करके ADH को रिलीज करा दे। ठीक बात है। एंटी डायुरेटिक हार्मोन, इसी से ही अपन ये कह देंगे कि एंटी डायुरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहलाता है, जो फिर आगे चलकर सीक्रेट किससे होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, इसे वैसोप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ADH बोल दो या वैसोप्रेशन बोल दो। ADH कहां एक्ट करेगा? कलेक्टिंग डक्ट पे आकर एक्ट करेगा, डीसीटी पे आकर एक्ट करेगा, ये पहले ही बताया था, एक्वापोरिन बनाएगा ये। ठीक है, हां जी हां। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का पार्ट बनेगा, वो वापस नॉर्मल होगा, वापस ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, जिससे जो इफरेंट आर्टेरियल उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड बीपी वगैरह कम है ना, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहां ग्लोमेरुलाय में लंबे टाइम तक जो ब्लड है वो रुकेगा। बिल्कुल, तो हाइपोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जी तो इसके कारण प्रेशर बढ़ा जी, और प्रेशर बढ़ता है तो उसके कारण क्या होगा फिर? ग्लोमेरुलर हाइपोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि GFR अपनी कम है जी जी, तो इससे GFR जो बढ़ जाएगी। भाई ये वाली कंडीशन अगर सुनील जी इनिशियली है तो इसका मतलब GFR भी कम है। बिल्कुल, GFR फिल्ट्रेशन रेट भी कम है। बिल्कुल, तो इससे जो है वो GFR जो है वो भी इंक्रीज होती है। रीअब्जॉर्प्शन, GFR ज्यादा होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम वापस मेंटेन कर लिया जाएगा, और यही फंक्शन है किसका? रास मैकेनिज्म का। क्लियर भैया? तो एक तरीके से वाटर इनटेक किया गया थ्रस्ट सेंटर से, बिल्कुल बिल्कुल, ADH को रिलीज करने के लिए प्रमोट किया, और इसके अलावा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी ये करवा रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ही शानदार था, इसमें दो कंसेप्ट हमने आपको बता दिए, जक्सा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है वो बता दिया, मैकुला डेंसा और जेजी सेल का कॉम्बिनेशन ये कहलाता है, और ये जरूरी याद रखना मैकुला डेंसा डीसीटी का मॉडिफिकेशन है सेल का, और जेजी सेल जो है वो एफरेंट आर्टेरियल का है। इसका रिजल्ट सुनील जी कि आदमी इनटेक कर रहा है वाटर ज्यादा, तो फिर रिजल्ट हो गया कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ेगा, और बीपी भी बढ़ गया, बढ़ गया, और ब्लड की टोनोसिटी जो पहले हाइपरटोनिक थी अब वो हाइपोटोनिक हो गई, और क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है तो आइट्रियल वॉल जो है वो फिर ENF रिलीज कर दे, वो इसके अगेंस्ट बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जब एट्रिया में से फ्लो करेगा तो एट्रिया की वॉल के द्वारा एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज आउट, और वो ENF फिर जो रास सिस्टम है उसको स्विच ऑफ कर, स्विच ऑफ करने का काम करेगा। कहने का मतलब यहाँ से जो रेनिन रिलीज हो रहा था उस रेनिन को स्टॉप करवा देगा। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन से टू, यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में कि ह्यूमन में यूरिक एसिड जो है वो किससे बनता है, इसमें अपने को देखना है सुनील जी, जो भी कंपोनेंट दिए किस किस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एटम है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अपन प्यूरीन की बात करें, चार नाइट्रोजन हो गए, इसके अंदर जो नाइट्रोजन, ये डबल रिंग है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग है, तो इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है वो पाइरिमिडीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, जैसे एडिनिन और गुआनिन जो है वो प्यूरीन, इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन एटम जी। ठीक है, और इसीलिए ये प्यूरीन जो है वो इसमें चला, करेक्ट आंसर चला जाएगा। यूरिक एसिड जो ह्यूमन में बनता है या यूरिक एसिड जो आर्थ्रोपोड्स में बनता है, ये किससे बनता है? प्यूरीन से ही फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द येलो पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम हीम ब्रेकडाउन
एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। तो किडनी के द्वारा येलो ब्रेकडाउन, ये आपने पहले ही बताया था, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा, हीम पार्ट अलग टूटेगा, ग्लोबिन पार्ट अलग टूटेगा, ठीक है, वो ब्रेकडाउन बच्चों को आपने इनिशियली बताया हुआ है। तो फिर ये जो ब्रेकडाउन के रिजल्टेंट जो ब्लड का पार्ट बनेगा और फिर वो कलर इंपार्ट करवाएगा यूरिन को, यूरिन को और प्लाज्मा को, बिल्कुल, और ये कैसा यूरोप्रोन कहलाता है, क्यों, मतलब जो बिलीरुबिन मिलीवर्डिन है ना, वही बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आ गया, एग्जैक्टली, बिल्कुल, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसको यूरोबिलिनोजन में चेंज कर दिया, ठीक है, वो वही यूरोबिलिनोजन प्लाज्मा में आ गया, प्लाज्मा में आ गया, प्लाज्मा को भी दे रहा है और वो ब्लड फिल्टर होगा तो यूरिन को भी कलर, और कलरेशन कैसा, पेल येलो कलर कहलाएगा, थोड़ा सा लाइट येलो कलर कहलाता है। जो इंटेस्टाइन में रुक गया वो आगे स्टर्कोबिलिनोजन में चेंज होता है, जो जो फिकल मैटर को येलो कलर, येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। तो स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन यूरोक्रोम पिगमेंट के थ्रू जो है प्लाज्मा को कलरेशन प्रोवाइड करवाएगा और इसके अलावा ये कलरेशन कहाँ, यूरिन को भी प्रोवाइड करवाएगा। और स्टर्कोबिलिनोजन की अगर बात करें तो जो स्टूल बनेगा, जो फिकल मैटर बनेगा, उसको थोड़ा सा येलो इस कलरेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक भाई, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना है, ठीक है, नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्मड एंड देयर एक्सक्रीशन रिमेन कांस्टेंट स्टेबल अमंग एनिमल, एनिमल में हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है आपने, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बिल्कुल, और इनिशियली उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी वेरी करता है, वो भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है तो क्या ये आप एनसीईआरटी की लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली, जो सेकंड पैरा है इस चैप्टर का उसकी एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन ही कहलाती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इन ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हैबिटेट अगर एक्वेटिक हो जाती है तो एक्सक्रीटरी मोड किस रूप में, अमोनिया के रूप में, अमोनिया, क्योंकि टेरेस्ट्रियल, वाटर लॉस को जो है वो झेल लेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर खूब ज्यादा है उनके पास में। और सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ हो गया तो यूरिया का एलिमिनेशन हो गया और वो वाटर प्रिजर्व करेंगे, वो एनर्जी खर्च करेंगे, और जहां वाटर की बहुत ही कमी है, डेजर्टिक एनवायरनमेंट है, जीरोफिटिक कंडीशन है, वहां पर बच्चों फिर क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का एलिमिनेशन होता है, मोर कंजर्वेशन ऑफ वाटर देखा जाता है, एटीपी को और खर्च करके वो यूरिया को यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल। एक्वाटिक इंसेक्ट जो है वो अमोनोटेलिक हो गए और वही टेरिस्ट्रियल है तो वो यूरिकोटेलिक, वो यूरिकोटेलिक हो गए जी। और जैसे शुरू में ही बात करते आए हैं कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोर, इनमें तो कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ही नहीं, है ही नहीं, इनमें बॉडी की जो सेल्स है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में तो वो सीधा डिफ्यूजन से अमोनिया रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर। और इसके बाद में प्लेटी एलमेंथीज, तो उनमें प्रोटोनेफ्रिडी है, पहली बार बात की है अपने प्रोटोनेफ्रिडी या फ्लेम सेल की जो बात है। उसके बाद में आपके एस्केलमेंथीज में एचसीएफ रेनेट सेल है, रेनेट सेल भी प्रोटोनेफ्रिडी है, ठीक है, ये मेनली ओस्मोरेगुलेशन इनका टास्क है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। और उसके बाद में एनालिड है जिसमें नेफ्रिडिया, नेफ्रिडी, और फिर एनालिड के बाद ऑर्थोपोड है, तो एंटीनरी ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है, ऑक्सल ग्लैंड भी होती है, ठीक है, तो ये वहां पर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल। मॉलस की बात कर ले ऑर्थोपोड के बाद में, तो वहां पर कैपर ग्लैंड है ना, कैपर्स ग्लैंड देखी जाएगी वहां मौजूद होती है, और इसके अलावा गिल्स भी हेल्प करते हैं, गिल्स वहां पर ब्रीथिंग में भी हेल्प कर रहे हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं। और फिर इकाइनोड्रमेट जो है उनके अंदर वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करते हैं, ट्यूब फिट सेल से गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, तो ट्यूब फिट वहां लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है, की शुरुआत से लेके ये चीजें वेरी कर रही हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। हेमिकोडेट का की बात करें तो वहां पर गिल्स स्लिट्स, बिल्कुल बिल्कुल, गैसेस एक्सचेंज गिल्स की हेल्प से होता है, तो उनके अंदर कोऑर्डिनेट वाला फीचर, प्रोबोसिस ग्लैंड की बात भी होती है। अच्छा, अभी रेस्पिरेशन पे आ गया हमने, हाँ, वो एक्सक्रीशन की बात करें तो प्रोबोसिस ग्लैंड की प्रेजेंस देखी जाएगी वहां। और फिर कोऑर्डिनेट जो है उसमें आपका तीन सब फाइलम, यूरो कोऑर्डिनेट, सिफेलो कोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेटा, ठीक है, यूरो में जो है वो गिल स्लिट्स वगैरह ही होती है, सिफेलो में बॉडी की सरफेस से भी हो सकता है, ठीक है, और वर्टिब्रेट में फिर जो है किडनी आ जाती है, अग्निथा की जो है अगर, अच्छा फिर रेस्पिरेशन पे चले गई क्या, रेस्पिरेशन में चलेगी गिल्स वाले पार्ट पर लेकर, हाँ जी, तो यूरोकॉर्डेट जो है उसके अंदर आपकी जो है एक स्पेसिफिक ग्लैंड न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीशन में करती है। और फिर आपके सिफलोकॉर्डेट जो है उनके अंदर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर स्पेसिफिक अपन कह सकते हैं कि ऐसे कॉर्डेट है जहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स है। ये सोलेनोसाइट वाला क्वेश्चन बनता भी है बच्चों, बहुत बार बनता है, तो याद रखना प्लेटी हेलमेंट्स, एस्केलमेंट्स और यहाँ सिफेलोकॉर्डेट।
ठीक है, ये फ्लेम सेल कोऑर्डिनेट में भी है कुछ में और नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट में भी। फिर सुनील जी वर्टिब्रेट के अंदर अपन बात करें तो अग्रणी था जिसमें साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, तो वहां पर प्रोनेफ्री किडनी, ठीक है, और फिर अपने अग्रणी था के अंदर सुपर क्लास स्पीशीज, तो वहां पर मीजोनेफ्री किडनी, मीजो आ जाती है, एम्फीबिया में वो आ जाती है, और उसमें बोनीफिश आपकी मोनोटेलिक हो गई और कार्टिलेजिनस फिश जो है यूरियोटेलिक हो गई, ठीक बात है। और फिर टेट्रापोड से अगर देखें तो एम्फीबियन में अपने बच्चों को बताया था कि एक्सक्रीशन के लिए अगर टैडपोल लार्वल स्टेज है और आपका जो सेलेमेंडर टेल वाले हैं तो उनके अंदर इनिशियली फिश की तरह ही अपन कह सकते हैं कि किडनी जो का डेवलपमेंट होता है, और एम्फीबियन की अगर एम्फीबियन में अगर फ्रॉग वगैरह की बात करें तो उनसे उनकी तरह ही इनमें अपने को मीजोनेफ्री किडनी बताया, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सक्रीशन के रेस्पेक्ट में जो है टैडपोल और जो टेल्ड एम्फीबियन फिश की तरह मोनोटेलिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बात है, अमोनिया का एलिमिनेशन करेंगे, और जो फ्रॉग है टॉड है वो यूरिकोटेलिक हो गए, वो यूरिको हो गए, बिल्कुल। फिर एम्फीबियन के बाद में रेप्टाइल, रेप्टाइल से सुनील जी मेटानेफ्री किडनी आ गई, और ये जो टाइप ऑफ किडनी बनी है ये इनिशियली क्या होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक नेफ्रोटॉम प्लेट बनेगी, उस नेफ्रोटॉम प्लेट का एक पार्ट एंटीरियर पार्ट मिडल पार्ट पोस्टीरियर पार्ट, तो एक पार्ट उसमें डेवलप होता है टाइप ऑफ किडनी में। तो नेफ्रोटॉम प्लेट अगर थोड़ी सी बच्चों को बता दें तो इस टाइप की समवर्ट प्लेट ये कहलाएगी, ठीक है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन कहलाएगा, ये इसका मिडल पोर्शन कहलाएगा, ये इसका पोस्टीरियर रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन ही किडनी बनाता है, बाकी दोनों जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, तो ये कैसी कहलाती है प्रोटोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी कहलाती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही गायब हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, केवल मिडल पार्ट किडनी बनाता है तो ये मीजोनेफ्रिक टाइप की कहलाती है, और एंटीरियर और मिडल दोनों ही चले गए और केवल पोस्टीरियर पार्ट किडनी बनाएगा तो ये क्या कहलाती है मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी कहलाती है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ किडनी। और इनमें नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स आ जाते हैं, नेफ्रॉन के, और फिर रेप्टाइल एविज और मैमल में फिर डिफरेंस आता है नेफ्रॉन में किसमें लूप ऑफ हेनले को लेकर, तो रेप्टाइल जो है जैसा आपने बताया मेटानेफ्रिक किडनी के साथ भी ये यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक कर रहे हैं, और बर्ड्स में इनकी तरह यूरिकोटेलिक है मेटानेफ्रिक किडनी वाले। मैमल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये यूरियोटेलिक ही अपने को बताना है, बिल्कुल बिल्कुल। एक जो पोर्टल सिस्टम वाला जो बात है वो भी बता देते हैं कि इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम डिसअपीयर हुआ, ठीक है, फिश में और एम्फीबियन में रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जा रहा था क्योंकि इनकी किडनी जो थी वो मीजोनेफ्रिक, बिल्कुल, ये हमारे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार बात की हुई है, फिर भी हाँ एनिमल किंगडम इससे रिलेटेड है चीजें तो हम यहाँ डिस्कस करने हैं। और फिर रेप्टाइल से जो है किडनी मेटानेफ्रिक होगी, ठीक है, इसलिए रिनल पोर्टल सिस्टम की नीड नहीं रही, एक तो किडनी मेटानेफ्रिक होगी, ठीक है, एक ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अलग अलग हो गया, वो चेंबर ऑफ हर्ट के कारण, ये दो मेन फैक्टर रहे जिसकी वजह से इवोल्यूशन के दौरान किडनी मीजोनेफ्रिक से मेटानेफ्रिक बदल गई, इसलिए स्टेटमेंट जो है ये अपन लोग इसको करेक्ट नहीं कर सकते, ये वैसे दिखने में लग नहीं रहा कि इतना लंबा स्टेटमेंट अच्छा था फिर भी, चलिए अल्टीमेटली हमारा मोटो यही है आप तक मैक्सिमम नॉलेज कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि यतेंद्र सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट के स्ट्रेटरी ऑर्गन आपके सामने रिप्रेजेंट की दिए और टाइप ऑफ किडनी हमने डेवलपमेंट के आधार पर नेफ्रोटॉम प्लेट से वो बताई दी, जी सर। फिर सेकंड थी अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड गुआनिन आर्मेजन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन, मैमल की बात करने की तो मैमल के रेस्पेक्ट में यूरिया यूरिया करेक्ट है, अमोनिया थोड़ा गड़बड़ हो गया, यूरिक एसिड जो है इसके अलावा गुआनिन, बिल्कुल, यूरिक एसिड तो कुछ होता भी अपने बता बात नहीं की थी, वो प्यूरिन प्यूरिन से बना था, यहाँ पे गुआनिन की वजह से ये जो है वो डिस्टर्ब हुए, ठीक है, तो आगे अगर देखें क्योंकि अमोनिया जो है सुनील जी जो ब्लड किडनी में एंट्री करता है मतलब रीनल आर्टरी से उसमें अमोनिया नहीं, और जो ब्लड जो मतलब जो ब्लड किडनी से बाहर आ रहा है उसके अंदर इसकी कुछ अमाउंट हो सकती है, कुछ सेल जो है या अपन ये कहें इस स्टेटमेंट को थोड़ा मैं चेंज करूं कि रीनल आर्टरी में अमोनिया अब्सेंट है, क्योंकि जो भी अमोनिया सेल में बनी थी उसको लिवर ने यूरिया में चेंज कर दिया था, वो यूरिया रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के पास आया था, ठीक बात है, उसमें अमोनिया थी उसमें नहीं थी, लेकिन जो फिल्ट्रेट यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा उसमें अमोनिया होती है, क्योंकि ये खुद एक ऑर्गन है, क्योंकि किडनी की जो सेल्स हैं वो खुद अमोनिया का फॉर्मेशन करती है, बिल्कुल करेंगे, इसका सिक्रेशन कर दिया जाता है,
सिक्रेशन के अंदर जो कंपोनेंट है वो ल्यूमेन के अंदर चले जाते हैं। ठीक बात है, फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते हैं। फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते हैं। तो अमोनिया जो है वो होती है, यूरिया भी होती है, यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज को फोकस करना है भैया, मेजर की बात की। मेजर की बात करें तो जैसे आपने कहा फिर यूरिया भी अलग जाएगा, ठीक है, इसलिए भी ये थोड़ा। नेक्स्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया एंड नेफ्रिडिया आर कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी नो 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 इनिशियल जो बिल्कुल अभी भी बात की थी नॉन कोडेड में बिल्कुल। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया की अगर बात करें तो ये तो कहां पर आपको बताया था, प्लेटी में, एस्केलेमेंट्स में और सिफेलोकोडेट्स में। इसके अलावा नेफ्रिडिया की अगर बात करें तो एनलिड्स में देखने को मिला था। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। आपने जो पूछा क्या करेक्ट है, तो करेक्ट तो भैया इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इन द टर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दिया है और उसको मैच करना है आपको। लीवर की अगर बात करें तो लीवर ड्रग्स डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, ये इसका चला जाएगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और स्वेट ग्लैंड की अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड एनएसीएल हो जाएगा जी। सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल। और किडनी की अगर बात करें तो यूरिया। और किडनी के रेस्पेक्ट में एनसीईआरटी की लाइन भी बच्चों को बता दें, पर डे यूरिया का जो एलिमिनेशन हो रहा है यहां से वो 25-30 ग्राम तक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें बच्चे ग्लूकोज की अमाउंट भी याद रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि पसीने में जो है वो ग्लूकोज भी देखा जाएगा। DABC देखें सर, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 जी सर। करेक्टली मैच, अच्छा नॉट करेक्टली मैच देखना। इनकरेक्ट नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है और ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। पहले लोग ओपन इनटू रीनल पेल्विस नहीं, ये गड़बड़ हो गया। कल पहले लोग तो डीसीटी होना चाहिए। कल जैसा आपने डिस्कस भी किया था, जैसे ये अपन किडनी को रिप्रेजेंट थोड़ा कर देते हैं, ये कॉर्टेक्स हो गया, फिर इसके जंक्शन पे ये रिनल पिरामिड है, ठीक है, और ये बोमेन कैप्सूल पीसीटी है ना, और फिर कलर चेंज हो गया जी, फिर ये लूपो पहले, ठीक है, और फिर वो वापस ऊपर गया और कलेक्टिंग डक्ट के साथ में जुड़ा। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो डक्ट ऑफ बेलेनी का पार्ट बना, और डक्ट ऑफ बेलेनी फिर रिनल पैपिला में खुला, और रेनल पेपिला ये जो नैरो पोर्शन था ना रेनल पिरामिड का, ये कहलाता है। फिर माइनर कैलिक्स और फिर वो वाला पार्ट जो मेजर कैलिक्स, और फिर वो रेनल पेल्विस में ओपन हो रहा है, रेनल पेल्विस में ओपन, और फिर वो यूरेटर के थ्रू बाहर की तरफ मूव कर रहा है, यूरिन डिब्लेडर पहुंच जाएगा। ये इसलिए गड़बड़ हो गया। फिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं, इसमें सबका फिल्ट्रेशन होता है, लार्ज प्रोटीन को अगर छोड़ दे तो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका चला जाता है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, ये तो सर मैच करना है। ग्लाइकोस यूरिया वाला है तो उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता तो डी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, और यूरिया जो है उसके रेस्पेक्ट में तो 25-30 ग्राम अभी अभी बताया आपको, और फिर सेलोफेन, सेलोफेन जो है वो आपके हीमोडायलिसिस से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है, जो ट्यूब है उनके अंदर होती है, तो बी है, और रीनल कैलकुली ऑक्सलेट के रेस्पेक्ट में है, ये का डिसऑर्डर कंपोजिशन में है, आया भी था जी। तो डीएबीसी, डीएबीसी, डीएबीसी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हीमोडायलिसिस फिनोमेना जरूर आप एक बार याद रख लेना। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस फिनोमेना में अपन ने हैंड जो है उस हैंड की किससे, आर्टरी से, जितेंद्र सर जी कहां से ब्लड लेंगे, आर्टरी से ब्लड जो है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और फिर किसके अंदर भेज दिया जाता है, एक हीमोडायलाइजर मशीन होगी ये, ठीक है, इस हीमोडायलाइजर मशीन में ये ब्लड फ्लो कर रहा है इस प्रकार से जी। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लड वापस इमर्ज आउट होगा यहां से, उसको फिर पहुंचा दिया जाता है कहां पे, वेन में जी। तो आर्टरी से ब्लड लिया अपने और वेन में उसको पहुंचा दिया है अपन ने। ठीक है, आर्टरी से जो ब्लड लिया है ये एक्चुअल में उस समय अपने को काम में लेना है जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही, बिल्कुल, क्यों, और इस दौरान यहाँ जब बॉडी से बाहर ब्लड निकला अगर प्रॉपर काम नहीं करी तो इसका मतलब उसके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, और जब ये बाहर निकाला है तो कोएगुलेट होने का चांस बढ़ेगा यहाँ पर जी, इसलिए एंटी कोएगुलेंट डालना, तो यहाँ पर एंटी कोएगुलेंट डालना पड़ेगा, और एंटी कोएगुलेंट के रूप में क्या डालेंगे जितेंद्र सर, आपका हिपेरिन कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हिपेरिन इसमें ऐड कर दिया जाता है। अब ये ब्लड जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, क्लियर, ये जो ट्यूब है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है हीमोडायलाइजर मशीन में, ये सेलोफेन ट्यूब के नाम से जानी जाती है,
और इसके सराउंडिंग में ये जो पाया जा रहा है ये क्या कह रहा है, हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन है ना, बिल्कुल। और ये भी कंटिन्यूअसली रिप्लेसेबल सॉल्यूशन कह रहा था, यहाँ से एंट्री होगी इसकी और यहाँ से फ्रेश ऐड होता जाए, बिल्कुल। तो फ्रेश तो ऐड होता जाता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ब्लड में से कहाँ चले गए थे, हीमोडायलाइजिंग फ्लूड में। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन भी बना था कि हीमोडायलाइजिंग फ्लूड और ये जो ब्लड यहाँ पर पाया जा रहा है इसमें किस चीज का डिफरेंस है, तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हीमोडायलाइजिंग फ्लूड में चले जाएंगे, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग डायलाइजिंग फ्लूड है ये फिर बाहर निकलता चला जाता है, ठीक है। तो ये एक हीमोडायलाइजर फिनोमिना है। ये ब्लड जब वापस बॉडी में पहुंचाया जाएगा तो इसमें एंटी हिपेरिन, बिल्कुल, ताकि इसकी एक्टिविटी को वापस सप्रेस किया, एंटी हिपेरिन वापस मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया, चलें क्वेश्चन नंबर 1। वोमेन कैप्सूल इज आर फाउंड इन, तो कल भी बात की थी अपन ने कि जो वोमेन कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पर मिलता है। इसके अलावा पीसीटी और डीसीटी भी होती है, ठीक है। लूप ऑफ मेंडेल और कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट जो है मेडुला में, बिल्कुल। कलेक्टिंग डक्ट के लिए जरूर बच्चों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पीसीटी यहां हो गया जी, डीसीटी ये तीन सर ये हो गया, और लूप ऑफ हेनले जो है वो डीप इनटू द मेडुला, कंप्लीट मेडुला में ये पाया जा रहा है, ठीक है। और डीसीटी जो है ये ओपन हो रही है फिर किस में, कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट चालू हो रही है कहां से, कॉर्टेक्स रीजन से, और रन कर रही है किसकी और मेडुला की, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर इसका कॉमन कैप्सूल पूछा है, तो कॉमन कैप्सूल कहां चला जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा दी होलो स्पेस एट द सेंटर ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्टेड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, ये एक पाथवे कल भी हमने आपको बताया था, और फाइनली मेजर कैलिक्स से होता हुआ एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो फिर आगे कम्युनिकेट करती है किसके साथ में, यूरेटर के साथ में। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसको रीनल पेल्विस के नाम से, और यहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम के लिए खास बात बताई थी, एकमात्र एपिथेलियम जिसके किसके ऊपर रेस्ट नहीं करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है यहां पर, स्ट्रेचेबल है, प्रेशर लगने फैलने लगने की क्षमता यहां पर पाई जाती है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट हेल्प इन रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया इन इंटरस्टिटियम, तो मतलब जो मेडुला वाला पार्ट है ना किडनी के अंदर, तो वहां पर यूरिया और NaCl को रिटेंशन करने में कौन सी मैकेनिज्म हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका काउंटर करंट एक्सचेंज और एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर, तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर की अगर हम लोग बात करें जो उसको मल्टीप्लाई कर देता 4 times, तो आपका असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ मेंडेल की ब्रांच होगी, ठीक है। और काउंटर करंट एक्सचेंजर की बात करें तो वो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा हो गया, जो मेडुलरी इंटरस्टिटियम में यूरिया और NaCl के रिटेंशन में हेल्प करती है, क्योंकि एक यूरिया यूरिया का जो साइकिल है जिसके अंदर कनेक्टिंग डक्ट के एंड से कुछ यूरिया मूव करके मेडुलरी इंटरस्टिटियम में आ गई, और वहां से वो वापस असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप में आ गई के अंदर मूव कर जाती, ठीक है। और इस तरीके से वो मूव करती रहती है, साइक्लिक मैनर में ये चलता रहता है प्रोग्राम, इसको यूरिया साइकिल, यूरिया साइक्लिंग भी कह सकते हैं, यूरिया साइक्लिंग, क्योंकि यूरिया साइकिल वो लिक्विड वाला, बिल्कुल बिल्कुल, हां उससे उससे रिलेट नहीं करना है भैया इसको, तो यूरिया रीसाइक्लिंग कह सकते हैं, यूरिया रीसाइक्लिंग हो रहा है जी। तो इसमें देखना है अपने को, तो लूप ऑफ हेनले सुने जी, इसको बोल देंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट और वासा रेक्टा ये एक्सचेंजर होगा, काउंटर करंट एक्सचेंजर, तो ये परफेक्ट चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर टिल ए वॉलंटरी सिग्नल कैरीज आउट इट्स रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा कॉल्ड मिक्चुरेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद द अबव स्टेटमेंट, इसका मतलब ये मिक्चुरेशन की बात कर रहा है, मिक्चुरेशन को कल हमने डिटेल में बताया भी था, कल अपने मैकेनिज्म पढ़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला देखते हैं, इन दिस केस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर and it get filled with the urine, बिल्कुल। और ऐसा तब होता है जब यहाँ पर यूरिन बढ़ता चला जाएगा, जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, फिर वो इंपल्स को जनरेट करवाते हैं। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS, CNS तक पहुंचता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रीजन तक, ठीक है। वहां पर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों बातें आ गई थी, और वॉलेंट्री की बात करें तो हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, बिल्कुल। Then CNS passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscle of the bladder. Detrusor muscle. Detrusor muscle जो है वो आपको scrotum में बताएगा। इससे bladder में contraction होगा और जो sphincter है internal relax और external वो relax होगा। वो relax होगा और simultaneously contraction of urethral sphincter को जी ये गड़बड़ ये contraction नहीं। इसकी जगह relaxation होता तो सही होता। बिल्कुल बिल्कुल। और द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहलाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो आपने से पूछा क्या है, नॉट कंसर्न, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्यों?
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होना चाहिए उस मेटाबॉलिक वेस्ट में, इसमें इसकी वजह से रॉन्ग हो गया, CO2 की वजह से, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, सारे ही नाइट्रोजनस हैं, और ये वाले दो ऑक्सीजन और एसोटो, इसमें नाइट्रोजन का पार्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड हियर, ये तीन सर आप क्वेश्चन पढ़ते हो छोटा आता है, मैं पढ़ता हूँ उसकी लैंग्वेज बढ़िया है, कोई नहीं, मस्त बाय चांस, हाँ बाय चांस होता है। अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट टू फॉर्म द 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट, ये अपने देखा भी था कि ब्लड तो टोटल कितना आया 1200 ml, और रीनल प्लाज्मा फ्लो, प्लाज्मा फ्लो का मतलब ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, तो 1200 का 55% निकाल लो, ये लगभग 650 ml के लगभग, 650-700 के बीच, बिल्कुल बिल्कुल, तो 650 ml जो है वो क्या आता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, और रीनल प्लाज्मा फ्लो का 1/5 जो है वो क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, क्योंकि ब्लड मूव करता है लेकिन फिल्टर तो एक्चुअल में प्लाज्मा होता है, फिल्टर प्लाज्मा वो लिक्विड पार्ट है, वो लिक्विड पार्ट है। बाउमन कैप्सूल पर मिनट ए स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ द अबव पैराग्राफ, इसके लिए ये जो मैकेनिज्म बना है ना कि ब्लड फ्लो हुआ, रीनल प्लाज्मा फ्लो हुआ, ठीक है, और जीएफआर बना, ठीक है, इसके लिए कौन सा, सुनील जी ये अभी जो अपन ने समझाया था सिग्निफिकेंस रोल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रीजन जस्ट ग्लोमेरुलर एपरेटस की बात, उसकी बात आ जाएगी, उसकी बात आ जाएगी, ए कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड पर डे, एक दिन में 180 लीटर पर मिनट, बिल्कुल अपन ने पहले ही बताया था कि 125 ml पर मिनट, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 लीटर पर डे आ जाएगा, with that of the urine release 1.5 liters, so most of the filtrate is BF, और बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही है। JGA is a specialized sensitive region formed by the cellular modification in DCT, DCT का macula densa and afferent arteriole at the location of their contact, ये डायग्राम के रूप में आपको बताई दिया, सही है। A falling GFR can activate JG cell to release aldosterone, रेनिन release होगा यहाँ से, और ये release होगा फिर adrenal कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के रूप में अभी बताया था आपको, तो यही तो पूछा है अपना, तो ये आंसर चला जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, वन सच मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये स्टार्टिंग में समझाई दिया था आपको हमने पूरा टाइम देते हुए, तो इनकरेक्ट पूछा तो हो जाएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, डीसीटी एंड कलेक्टर डक्ट अलाउ एक्सटेंसिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट व्हिच हेल्प इन, तो वहां से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ये ऑस्मो रेगुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, और पीएच मेंटेनेंस जो है बिग एसिड के मतलब, तो यहां पर मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की भी क्योंकि बात हो रही है, बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखें तो एक्सक्रीशन और मिक्चुरेशन की बात होगी, इसलिए गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, यहाँ पर भी मिक्चुरेशन आ गया, ठीक है, यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन, ये वाला जो परफेक्ट चला है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होना इलेक्ट्रोलाइट का, ये क्या कहलाता है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो ये पीएच वाला जो में सिक्रेशन ऑफ H+K+ वाली बात होती है, हां पीएच वाले में वो जो आपको बताया हुआ कि किस किस की वजह से एसिडिटी बेसिसिटी वहां पर क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, H+K+NH3 could be secreted into the filtrate by tubules to maintain which of the following, अभी अभी बात की है कि ब्लड यूरिया, ब्लड प्रोटीन की बात करें, आयनिक बैलेंस, पीएच, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर चला जाएगा, अभी अभी बात की है, मिक्चुरेशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म, लूप ऑफ हेनले हो जाएगा भैया इसके लिए, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस तो मतलब ही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा। तो H+K+NH3 की बात आती है, तो ये क्या करवाते हैं भैया, पीएच मेंटेनिंग का काम करवाते हैं, आयनिक बैलेंस करवाते हैं। नेक्स्ट, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट बिटवीन टू लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जैसा कल आपने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है, और एंड दो जो वासा रेक्टा, वासा रेक्टा और वासा रेक्टा के बीच में, जैसे ये वासा रेक्टा, ठीक है, हो गई, ये नीचे ब्लड मूव कर रहा है और वापस जा रहा है, फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है और वापस ऊपर आ रहा है, तो इनके बीच में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ओके, इन केस ऑफ वासा रेक्टा, बिल्कुल, तो यहां देखें कि कैपिलरी पैरेलल टू हेनले लोब, बिल्कुल सही है, ये कैपिलरी बेड है जो हेनले लोब के पैरेलल होते हैं, ए माइन्यूट वेसल ऑफ पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क सुनिए जी, ऊपर की तरफ डीसीटी पीसीटी को कवर करता है, बिल्कुल, उसी से ये निकला, हाँ, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट, हाँ, छोटा सा ही बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा भैया, ओके, बड़े बड़े के चक्कर में आप मजे ले रहे हो, ठीक है,
तो ये अपना डीसीटी कहला गया, ठीक है। अब अपन यतेंद्र सर अपन ने बोला था जैसा यहाँ से इफ्रेंट बाहर निकल रहा है, ये इफ्रेंट जब बाहर निकलेगा तो यहाँ एक नेटवर्क बनाएगा पीसीटी के डीसीटी के चारों ओर, और ये जो नेटवर्क बनेगा इसको नेटवर्क को पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क पीटीसी के नाम से जाना जाता है। एक तो है पीसीटी और एक है पीटीसी, दोनों में अंतर है। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर नेफ्रॉन का पार्ट कहलाता है, लेकिन पीटीसी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ये किसका पार्ट है, इफ्रेंट आर्टेरियोल से बना है, और इसी पीटीसी से एक पैरेलल रन करेगी लूप ऑफ हेनले के, इसे क्या कहा जाता है। इसका मतलब सुनील जी कि जो वासा रेक्टा है फिर वो किससे अराइज हुई, इफ्रेंट, इफ्रेंट से, हां हां वो देख लेते हैं, ठीक है। इट इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिल्कुल सही, ठीक बात है। ये जो आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो उसके अंदर ये ज्यादा इन्वॉल्व होती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एफ्रेंट, ये इफ्रेंट से डिराइव, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, ये वाली क्या कहला रही, इफ्रेंट कहला रही, इफ्रेंट से अराइव होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म पैलेट के रूप में, इसका मतलब वाटर पूरा रीएब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एनिमल ये कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट 17, 18, जी सर, लिवर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, अच्छा कुछ स्टेटमेंट दें और इसके अंदर अपने को करेक्ट जो है देखने, बिल्कुल सही, ऑर्निथिन साइकिल होता है, अमोनिया को CO2 से जोड़ के एटीपी को यूज करते हैं जो यूरिया बनती है, और लास्ट स्टेप की जहां पर बात करें वहां पर आर्जिनेज बच्चों को बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ADH help in reabsorption of water and vasoconstriction, ये भी सही, ठीक है, vasoconstrictor है ADH, maturation is concerned with reflex action है ये, ठीक है, Henle loop play important role in concentrating the urine, ये भी सही, कि जो Henle loop है वो urine को कई function कह लाए, four time concentrate कर देता है, इसलिए इसको count आपका जो है counter current multiplier, और exchanger की बात करें तो वो अपना वासा रेक्टम है। तो इसके अंदर तो फिर क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, सारी करेक्ट हो गई, सारी करेक्ट हो गई, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटोनेफ्रिडिया नेफ्रिडिया मेलपिगन ट्यूब्यूल्स ग्रीन ग्लैंड एंड द किडनी आर द कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ऑर्गन, तो यहां पर बात करें तो ये तीन सर एक्सक्रीशन तो है ही है लेकिन मेनली ऑस्मो रेगुलेशन भी, ऑस्मो रेगुलेशन भी, तो क्या हो जाएगा, दे एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट करते हैं साहब, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ आयनिक एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ये भी करते हैं, mainly responsible for osmoregulation, main काम इसका ये है भैया, तो सारी statement correct हो जाएंगे। Next 20, matching वाला है ना, hairpin shaped structure of renal tubule, अच्छा renal tubule की बात की, renal tubule, तो loop of Henle हो गए, loop of Henle हो गए, B दे दे, जी, U shaped structure of peritubular capillary, यानी peritubular capillary से, वासा रेक्टा हो गया, ठीक है, और फिर DCT open into state tube, collecting duct, जी, D, और डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, यानी वो आपका हो गया बाउमन कैप्सूल अलोंग विद रेनल कॉर्पल्स हो गया ना अलोंग विद ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, तो याद रखना बच्चों ग्लोमेरुलस के साथ में बाउमन कैप्सूल, ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया बाउमन कैप्सूल, ठीक है, इन दोनों को मिलाएं तो मेलपिगन ट्यूब्यूल भी ये कहलाता है, मेलपिगन बॉडी, ट्यूब्यूल नहीं बोलना, ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपॉड में है, और इसके अलावा दूसरा नाम इसको रेनल कॉर्पसल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तीन सर बी सी डी कहाँ है, एक ये भी रहेगा ना फोर्थ भी, हाँ वो आ जाएगा ना फोर्थ में, तो ए आ ही जाएगा बच्चा, तो बच्चे को भी थोड़ा सा दिमाग लगाने दो, बी सी डी है, ठीक है, अरे चले आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 21, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर गोजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द थ्री लेयर एंडोथेलियम, ये कल बताया था, कल भी बताया था अपने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, बिल्कुल बिल्कुल, और ये कह रहा है कि एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल को तो ए बोल दिया इसने, जी, एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल बी बोल दिया, पोडोसाइट, और उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन को सी बोल दिया, ठीक है, पोडोसाइट आर अरेंज्ड, तो पोडोसाइट तो किसमें, एपिथेलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल आ जाएगा, इसका मतलब बी आना चाहिए, तो ए तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बी आएगा, और ये सिक्रीशन में नहीं भैया, फिल्ट्रेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 7 चला जाएगा। चले आगे, वैसे डायग्राम कल बताया था बच्चों को, कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है, कल का मतलब पीछे वाला, ठीक पीछे वाला, जी, ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर व्हिच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, क्योंकि वहां पर ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ADH वैसोप्रेसिन, तो इसको थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकली सुनील जी अपन एक्सप्लेन कर दें कि कोई आदमी है उसका ब्लड है और वो डेजर्ट में या उसको पानी नहीं मिला तो उसकी बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा हुआ, तो वाटर का लॉस ज्यादा हुआ तो उसका ब्लड जो है वो हाइपर टोनिक हो गया, उसकी टोनोसिटी बढ़ गई क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है,
ऐसा ब्लड जब मूव करके आर्टरी के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास गया, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास में ओस्मोरिसेप्टर्स हैं, ओस्मो रिसेप्टर, तो वो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो उसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, और उनके जो एक्सोन है वो आपके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक मौजूद होते हैं, तो वहां से जो वो एडीएस रिलीज हो जाता है, एडीएस का रिलीज होना, और जैसे एडीएस रिलीज होगा तो वो कलेक्टिंग डक्ट और आपकी डीसीटी को टारगेट करके वाटर एक्वापोरिन का फॉर्मेशन ये करवा देगा, वाटर रिएब्जॉर्प्शन मोटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे फिर सुनील जी, जो वाटर रिएब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और इससे वो जो ब्लड है वो हो जाएगा हाइपोटोनिक, और ये हाइपोटोनिक ब्लड जब मूव करके वापस हाइपोथैलेमस के पास आएगा तो इसको नेगेटिवली इनहिबिट कर देगा, ठीक बात है, बिल्कुल, और नेगेटिवली इनहिबिट करेगा तो एडीएच का लेवल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा वहां पर, तो ये मैकेनिज्म जो है कंटीन्यूअसली ऑपरेट होती है, और अगर एडीएच का लेवल जो है वो कम हुआ तो इसका मतलब फिर वाटर का जो ऑप्शन जब मैच करोगे तो हाइपोथैलेमस एक तो यहाँ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइपोथैलेमस का एल्डोस्टेरोन दे रखा है तो ये नहीं जाएगा, तो फिर एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेशन, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सुनील जी, अगर आदमी का ब्लड हाइपरटोनिक है तो ADH रिलीज हुआ और वो फिल्ट्रेट से वाटर को मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो उसका यूरिन भी हाइपरटोनिक हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा, बिल्कुल। अगर ब्लड हाइपरटोनिक है, ब्लड में पानी की कमी है तो इसका मतलब है कि फिल्ट्रेट से वाटर को मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, तो उसका यूरिन भी हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक बात है। और अगर ब्लड हाइपोटोनिक है, यानी ब्लड में वाटर लेवल ज्यादा है, इसका मतलब उस एक्स्ट्रा वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाएगा और रीअब्सॉर्ब कम होगा, इसका मतलब यूरिन भी डाइल्यूट हो जाएगा और हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये अच्छी चीज बच्चे याद रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ब्लड हाइपोटोनिक तो यूरिन भी हाइपोटोनिक, अगर ब्लड हाइपोटोनिक तो यूरिन भी हाइपोटोनिक, बिल्कुल। इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना, ब्लड अगर हाइपरटोनिक हुआ है इसका कारण क्या है, इसका कारण तो डायूरेसिस है, हाँ। क्योंकि हाइपरटोनिक हुआ है इसका मतलब पानी कम है, पानी कम है, पानी कहाँ चला गया, यूरिन के थ्रू बाहर चला गया, या स्वेटिंग ज्यादा हुई है, पानी मिल नहीं रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लड हाइपरटोनिक है तो फिर बॉडी तो जो पहले से वाटर अंदर है उसको तो बचाएगी ना, उसको बचाएगी, तो फिर जो फिल्ट्रेशन हुआ तो उसमें मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, बिल्कुल, तो जो बॉडी से बाहर यूरिन जाएगा कंसंट्रेटेड फॉर्म, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, In case of monitoring of kidney functioning, which hormone act over which structure? Okay. Very interesting. ठीक है? तो ADH की अगर बात करें यतिंद्र सर, ADH सुनील जी, renal tubule पे करेगा। D. Renin की अगर बात करें तो angiotensin हो जल convert करेगा, पहले बता दिया। Angiotensin second cortex पर और mineralocorticoid. Mineralocorticoid. और ANF अगर बात करें तो ये इस पे करेगा और इस पे suppressive effect. Negative effect. Negative effect. DABC. DABC की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। अरे भाई ठीक है, और ये मैच दी फॉलोइंग का सिलसिला बहुत ही शानदार है, क्योंकि 2008 की अगर बात करें तो मैच दी फॉलोइंग के काफी क्वेश्चन आए थे भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। इट अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ वैसोप्रेसिन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ADH के रेस्पेक्ट में बच्चे जनरली ये जानते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट और DCT को टारगेट करता है, लेकिन ADH जो है वो असेंडिंग जो लिम्ब है लोगों पहले वहां पे भी NaCl के इनिशियल रीअब्सॉर्प्शन को प्रमोट करता है, प्रमोट करता है, बढ़ाता है, फंक्शन है, ठीक बात, जो मतलब ये फंक्शन जनरली नीट लेवल पे बच्चों को नहीं पता, लेकिन फिर भी उसमें याद रखना है भैया, ADH का मेन फंक्शन तो कहां है, एक्वापोरिन के रूप में अपने कलेक्टिंग डक्ट और DCT बताई दिया, इसके अलावा ये NaCl के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट भी करवा रहा है, कहां से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले लूप से। तो सुनील जी, इट इज इट अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ वैसोप्रेसिन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। Vasopressin make the wall of collecting duct and DCT permeable to water by formation of aquaporin. Aquaporin. ठीक है। फिर during it NaCl come out of ascending limb. NaCl उससे come out मतलब medullary interstitium में आया। ठीक बात है। तो एक मिनट. Ascending limb of vasa recta. हाँ, vasa recta की बात की जा रही है। तो vasa recta जो ऊपर की move कर रही है। ठीक है। तो जब blood वापस ऊपर जाएगा तो NaCl को वो छोड़ता हुआ जाएगा, बिल्कुल ठीक तो बात है। उसके अंदर भी ये जो है वो हेल्प करती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तीनों के तीनों
फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड अपन ने बताई दिया कि वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन किडनी में और एफरेंट आर्टेरियल बताई दिया हमने आपको. स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन सही है टू इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट को भी बढ़ाने का ये काम करेगा. सारे फंक्शन हो जाएंगे ऑल ऑफ दी चला जाता है क्यों ताकि ब्लड जो प्रेशर से नेफ्रॉन तक पहुंचे गए जीएफआर ज्यादा बन सके जीएफआर बढ़ जाए इसीलिए. 26 सुनील जी पूछा है जेजी सेल आर मॉडिफिकेशन ऑफ अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया था आपने डायग्राम बनाया था एफरेंट आर्टेरियल की वॉल की स्मूथ मसल्स का है तो ऑप्शन नंबर 3. और ये कल हमने आपको बता ही दिया था ये जैसे अपने बात कर ली किसकी लेगी और ये वाली बात होगी अपनी किसकी वासा रेक्टा की. यहाँ फ्लो की बात करें डाउनवर्ड है अपवर्ड है डाउनवर्ड है अपवर्ड है डिसेंडिंग वासा असेंडिंग वासा डिसेंडिंग लूप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये कह रहा था. अब ये कहला रहा है ये कह रहा है यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा. अब यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों क्योंकि भैया NaCl यहाँ पर आया ठीक है ये जो NaCl है इसको किसने अपटेक कर लिया इस वासा रेक्टा की डिसेंडिंग ने अपटेक कर लिया क्योंकि कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम तो NaCl अंदर चला गया. NaCl मूव करते हुए यहाँ पर आएगा ठीक है यहाँ पर जब पहुंचेगा तो अपने को बताया कि डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप वाटर के लिए परमिएबल है पानी यहाँ से जो है वो बाहर आएगा पानी बाहर आएगा H2O बाहर आएगा तो यहाँ पर हाइपोटोनिक मीडियम बनेगा और हाइपोटोनिक मीडियम के कारण सोल्यूट वापस से बाहर आ जाएगा NaCl वापस बाहर आ जाएगा. तो यही तो प्रोग्राम की बात कर रहा है कि ये हाई ऑस्मोलरिटी जो है वो किसके द्वारा मेंटेन्ड है जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से आने वाली यूरिया के कारण मेंटेन्ड है और यहाँ पर NaCl कि वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिंब है जैसे जैसे नीचे बढ़ रही है तो वो NaCl को कलेक्ट करते जा रही है. हाँ तो यहाँ भी हाइपरटोनिसिटी होती है एक चोर है घर में घुसा तो वो सामान इकट्ठा करता गया ठीक बात है जैसे जैसे घर के अंदर गया तो सामान ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया भारी हो गया तो फिर सामान फिर इसको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर उसने जैसे जैसे बहुत ही अच्छा रिलेशन किया तो NaCl छोड़ता गया इससे वो ग्रेडिएंट बना हुआ है ठीक बात है. अगर इस वासा रेक्टा को सीधा कर दिया जाता तो तो जो NaCl का ग्रेडिएंट जो मेहनत इसने की थी हाँ वो NaCl लेके पूरा ब्लड बाहर चला जाता बेकार हो जाती फिर तो वो ग्रेडिएंट खत्म यहाँ का ग्रेडिएंट खत्म हो जाता है. जिस 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर की भैया आप बात कर रहे थे ना मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर नहीं मिल पाता अपने इसलिए ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर और ये काउंटर करंट एक्सचेंजर कह रहा है क्योंकि यहाँ से कलेक्ट कर रहा है और यहाँ से वापस वापस दे रहा है. 28 जी सर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इज मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन इन बॉडी मतलब वाटर कंजर्वेशन करना बॉडी में यूरिक एसिड जो टेरिस्ट्रियल ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन में एक बात है और मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करके सेमी सॉलिड फॉर्म में तो ये मैकेनिज्म एक्सक्रीटा को रिमूव कर रहा है. ये मैकेनिज्म क्या कहलाएगा यूरिकोटेलिज और ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल कहलाते हैं. नेक्स्ट 29 The process of excretion, which has no any considerable role of water conservation. इसका मतलब कि पानी में बहुत ज्यादा उपलब्धता है. एनिमल पानी में है. पानी में है और पानी भी भैया कौन सा फ्रेश वाटर की बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि सेलाइन वाटर में तो अपने को पता है कि एलिमिनेशन किस रूप में यूरिया के रूप में काटी लेती है जिस अपने देखा ही था तो अमोनोटेलिन करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा. चले आगे 30 जी सर सम एनिमल स्टोर यूरिया इन देयर किडनी अप टू सम एक्सटेंट ओके What may be it probable reason कि अपन ने बात की थी कि medullary interstitium में concentration बढ़ा higher osmolarity को maintain करने के लिए यूरिया और NaCl help करता है. ठीक बात है. उसी osmolarity को maintain करने के लिए ऐसा किया. तो maintain desired osmolarity. 31 Bowman capsule and glomerulus together अभी बता दिया था diagram के द्वारा भी आपको बता दिया था ये क्या कहलाता है Malpighian body भी कहलाता है और renal corpuscle भी कहा जाता है तो दोनों आंसर चले जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट How many nephron are मतलब per kidney 1 million कह सकते हैं. हाँ तो body में 2 million हो जाएंगे क्यों जी बिल्कुल तो 2 million इसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 lungs के लिए alveoli वाला 150 million हाँ वो टोटल बॉडी की बात में तो 300 million बोला है मतलब ये दोनों डेटा एक साथ बच्चे याद रख सकते हैं बिल्कुल ठीक बात alveoli बॉडी में टोटल और nephron बॉडी में टोटल हाँ तो कंप्लीट बॉडी में ही आपको याद रखना है. ऐसे ही जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स भी बच्चे याद रख सकते हैं और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो ब्रेस्ट रीजन में अपने बताई थी बिल्कुल बिल्कुल तो कितनी है भैया 30 दोनों ब्रेस्ट की मिलाकर 30 मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे.
ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर टू मेजर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब एक तो ग्लोमेरुलाई वाला पार्ट, बिल्कुल ट्यूबुलर पार्ट, एक ट्यूबुलर पार्ट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ना बाउमन कैप्सूल, बच्चे इसको भी अलग समझ जाते हैं, बाउमन कैप्सूल जो पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल ही है, इसमें पीसीटी भी काउंट होता है, इसमें लूप ऑफ एनले भी काउंट होता है, इसमें टीसीटी भी काउंट होता है, लेकिन जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है ये एक सेपरेट पार्ट कहलाता है। तो अपन क्या बोल देंगे, सॉरी ये रीजन ग्लोमेरुलस कहला गया, ये बाउमन कैप्सूल अलोंग विद पीसीटी ये रीनल ट्यूब्यूल कहला गया। तो क्या क्या हो जाएगा, बाउमन कैप्सूल और पीसीटी, नो ग्लोमेरुलस डीसीटी हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस ये हो गया और ये बाकी का पार्ट रीनल ट्यूब्यूल कहला गया, ऑप्शन नंबर 4। यानी कलेक्टिंग डक्ट तक और फिर मतलब आपका डीसीटी तक है ना, और फिर कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिलकर के इसको रीनल ट्यूब्यूल भी अपन कह सकते हैं, क्यों? ठीक बात, ठीक बात। नेक्स्ट 34 जी, करेक्ट पाथ ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, कल भी बात की, कल भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, बोमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स में, तो पहले फिल्टर कॉर्टेक्स में, फिर लूपो प्रिनले से वो मेडुला में गया, ठीक है, और फिर वापस असेंडिंग लूपो एनले से वो डीसीटी में मतलब कॉर्टेक्स में आया, बिल्कुल, तो कॉर्टेक्स से वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वापस मेडुला में। ये डायग्राम तो बच्चों को नो डाउट याद हो गए होंगे यतिंद्र सर, है ना, ये तो कॉर्टेक्स कहला गया, ये मेडुला कहला गया। तो बाउमन कैप्सूल सबसे पहले, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ एनले मेडुला आ गया, उसके बाद डीसीटी, फिर कॉर्टेक्स आ गया, फिर कलेक्टिंग डक्ट में कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर, यानी ये सेकंड ऑप्शन देखते हैं ना। हां, तो सी एम सी और फिर एम CM ये सेकंड देखिए, कॉर्टेक्स मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला फिर रीनल पेल्विस, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 जी सर, रीनल ब्लड फ्लो पर मिनट, अब ये भी बात की थी 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट किडनी तरफ फ्लो होता है, और फिल्ट्रेट की अगर बात करें तो प्लाज्मा होता है जो 700 ml के आसपास हो जाएगा, और रीनल प्लाज्मा फ्लो अगर पूछ लेता तो कितना हो जाता, ये हो जाता 652 लेकर 700 ml तक हो जाता। एक मिनट, एक अभी वो एक क्वेश्चन पूछ चल रहा था कि कंप्लीट बॉडी में याद रखना है, ठीक है, तो ब्रेस्ट रीजन में जो है वो मेमोरी लोब्यूल्स की बात हो जाएगी, वहां पर अपने ट्यूब्यूल्स बोल दिया था, अच्छा ट्यूब्यूल बोल दिया, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल्स का नंबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका यतिन सर, ब्लड फ्लो ये हो जाएगा, प्लाज्मा फ्लो ये हो जाएगा, और GFR 125 ml पर मिनट, या वन डे की बात करें तो 180 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट द सीक्रेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, इसका डायबिटिक सब्सटेंस हो जाएगा, मतलब कैन रिजल्ट इन सीक्रेशन ऑफ डाइल्यूट, की डाइल्यूट यूरिन जो है किसी में सीक्रेट हो रहा है, तो या क्या रिजल्ट होगा, या इसको ऐसे कहते हैं कि डायूरेसिस के लिए जो प्रमोट करें, ये भी हो सकता है, वो डायबिटिक सब्सटेंस हो जाएंगे, अल्कोहल डायबिटिक है, टी कॉफी डायबिटिक है, और ANF जो है ये रास को इनहिबिट कर रहा है, रास को इनहिबिट कर रहा है, और रास को इनहिबिट कर रहा है, इसका मतलब डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जी सर, पीसीटी डीसीटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी बाय सिलेक्टिवली सीक्रेशन ऑफ H+ K+ कई बार हो चुका है, बिल्कुल बहुत बार, इसमें कलेक्टिंग डक्ट भी हेल्प करते हैं, ठीक बात है, और जो भी सिक्रेशन है सुनील जी ये पैसिवली होता है, ये बच्चों को याद रखना है कि सिक्रेशन जितना भी हो पैसिवली, सिक्रेशन पैसिवली। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following substance is are excreted out in sweat, are excreted, तो NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड भैया सारे ही होते हैं, ग्लूकोज भी याद कर सकते हैं, ग्लूकोज भी, लेकिन इसमें वो आपका यूरिक एसिड नहीं होगा, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, नोट लगा के लिख लेना भैया, यूरिक एसिड नहीं होगा, पूछ सकते कि which one is absent in, और यूरिन में अगर कह दे यूरिक एसिड तो वो तो पैदा रहा प्यूरिन से बना ही था, तो यूरिक एसिड एब्सेंट होता है इसमें, स्वेट में, पसीने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच सब्सटेंस इज आर एलिमिनेटेड बाय सीबेसियस ग्लैंड की बात हो रही है, है ना, तो ये स्टेरॉल इसमें होते हैं, वैक्स भी होता है, और हाइड्रोकार्बन भी इसमें मौजूद होते हैं, ये वाला होता है, तो ये कंपोजिशन जो है सीबेसियस ग्लैंड का, ये भी आपको याद रखना है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया कल अपने 46 के लगभग क्वेश्चन दिए थे बच्चों को, कल वाले भी देखने से पहले और उसके बाद ये देखें, और आप ये मानकर चलें हमने कंप्लीट चैप्टर को जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, कोई भी ऐसा टॉपिक रहा नहीं है, फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में, और अपने आपसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है आप ये हमारा यूट्यूब चैनल CLCC का नाम से जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करवाइए, और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करवाइए, क्योंकि उससे क्या होगा जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट आपका स्नेह यही हम पर बना रहे, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, जय CLCC।